नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव गोपाल। हमारा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कुजिन का बारे में। राजस्थान कुजिन का हिस्ट्री क्या है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो देखने और सुनने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहे और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से अपना होटलियर दोस्त के लिए है। बहुत सारे होटलियर दोस्त है राजस्थान कुजिन का बारे में बराबर पता नहीं है, तो उन लोग इस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्सली बता हुआ है राजस्थान कुजिन का बारे में। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री में राजस्थान कुजिन पे क्या है। तो जानने से पहले हम पहले बात करेंगे कॉन्टेक्ट का बारे में, जैसे कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, रिलेशन कल्चर, राजस्थान पे कौन सा कल्चर है, टूरिस्ट प्लेस, राजस्थान में कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, कुजीन ऑफ राजस्थान, रेसिपी ऑफ लाल मांस, राजस्थान पे फेमस डिशेस क्या है, कौन कौन सा यहाँ का नंबर वन डिशेस या सिग्नेचर डिशेस है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो देखने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अब हम स्टार्ट मारते हैं इस वीडियो में जाने के लिए। इंट्रोडक्शन का बारे में, राजस्थान इज ए वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया एंड इज द होस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कवरिंग एन एरिया ऑफ 342,439 स्क्वायर फीट किलोमीटर। द स्टेट इज फेमस फॉर रिच कल्चर हेरिटेज एंड एग्रीकल्चर मार्वल्स व्हिच ड्रॉ इन टूरिस्ट फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फेमस क्लॉथिंग हिस्ट्री पे कपड़े बनाने का भी इसका बहुत ही अहम भूमिका है। म्यूजिक में भी राजस्थान में बहुत ही वर्ल्ड पे फेमस है, और खाना पे भी। तो ये था इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आप सब लोगों को तो पता ही होगा, राजस्थान का जो स्टेट है वो राजपूतों का स्टेट था पहले। आज से 100 ईयर्स या 200 ईयर्स पहले देखा जाए तो यहाँ पर राजपूत लोग ही रहता था। तो आप लोगों को पता ही होगा राजघराने पे कौन कौन सा खाना बनता है, और यहाँ का जो राजघराना का जो रिचेस्ट खाना है वही अभी तक चलते आ रहे हैं, जो सिग्नेचर डिशेस है। तो यहाँ राजपूत लोग रहने का टाइम पे ही राजस्थान बहुत ही फेमस था, क्योंकि और बहुत ही राजपूत राजा लोग मुगल से बहुत ही फाइट करके अपना देश को बहुत ही बचाया। ये मैं इस बारे में हिस्ट्री पे जाके आप लोगों को बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। फेस्टिवल के बारे में दोस्तों, जैसे कि राजस्थान पे खाली राजपूत लोग नहीं है, बहुत ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत ही रिलीजन का पीपल यहाँ पर रहते हैं, तो सबका एक अलग अलग फेस्टिवल है। वैसा अलग अलग फेस्टिवल जैसे कि नागौर फेयर एंड द जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल यहाँ का बहुत ही फेमस है, वो आप लोग को यहाँ पर लूनर कैलेंडर पे डेट मिल जाएगी। आप लोग अगर गूगल सर्च करके देखेंगे तो कौन सा डेट में कौन सा ईयर में बनता है, तो ये सब आप लोगों को पता ही चल जाएगा। और यहाँ पर फेस्टिवल में बहुत तरह का आदमी रहने का वजह से ये जर अपना अपना फेस्टिवल अपना मोमेंट पे अपना ही एंजॉय करता रहता है। दोस्तों, राजस्थान पे जो मेन सिटी है जयपुर, यहाँ पर पिंक कलर का सब बिल्डिंग मिलता है, और यहाँ पर जो बड़ा फेमस बिल्डिंग है पूरा पिंक कलर ही है, ब्रिटिश अमल से ही है। तो इसीलिए जयपुर को राजस्थान की पिंक सिटी बोलते हैं। यहाँ का बहुत ही फेमस बहुत ही बड़ा शहर है, ऐसा फेमस कबाब मुर्ग मसाला, सुखीला कबाब, मुर्ग की पर्ची, तंदूरी चूसा,
जोधपुरी टुकड़ा सलाला। तो यह है राजस्थान की बहुत ही फेमस कबाब है। यहाँ पर दाल भी बहुत ही फेमस है, दाल महाराणा, पापड़ पनीर की बर्फी, पापड़ पनीर की भुजी, धनिया मुंगरी, गट्टे की करी, मेथी किशमिश। तो ये सब जैसा स्ट्रीट फूड यहाँ की बहुत ही फेमस है, जैसे कि लहसुन की चटनी। यहाँ पर बहुत ही फेमस पिक्कल है। यहाँ का फेमस रोटी जैसे कि बाजरे की रोटी, मिक्सी की रोटी, बाटी, आप लोगों ने नाम ही तो सुना होगा, दाल बाटी चूरमा। तो यहाँ का बहुत ही फेमस डिशेस है मकई की रोटी, मेथी की पराठा, यहाँ पर बहुत ही फेमस पाई जाती है। तो ये था यहाँ का कबाब और नान रोटी, बहुत ही फेमस है। तो खाली कबाब और नान रोटी नहीं है, डेसर्ट भी यहाँ का बहुत ही फेमस है, जैसे कि अंजीर की कुल्फी, घी और राबड़ी, लपसी, बहुत ही यहाँ पर फेमस डेसर्ट है। और दोस्तों लाल मांस, नॉन वेज का अंदर जो लाल मांस है, यहाँ का जो स्पेशल और सिग्नेचर डिशेस है लाल मांस है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाल मांस का रेसिपी दिखाया हुआ है, जो ये है ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी, मैंने पूरा लिख के इस वीडियो में बता हुआ है। इस वीडियो में मैंने पावर पॉइंट इमेज का दौरान से इस वीडियो में सब कुछ लिख के डिटेल्स भी बता हुआ है। आप लोग को सिर्फ 2 मिनट रुक के सब कुछ पढ़ के समझना है, क्योंकि सब कुछ इस बताना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश में टाइप करके इस वीडियो में सब कुछ लिख के बता हुआ है, आप लोग को पढ़ के समझना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो सही, नहीं तो इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, नमस्कार। अगर आप लोगों को हमारे इस चैनल पे इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें।